नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। देश भर में ही नहीं दुनिया भर में बीते दिन 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर बीआर अंबेडकर जी की 131वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। बाबा साहब के जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा समानता दिवस घोषित किए जाने के बाद दुनिया भर के देशों में अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया गया। अमेरिका में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन की मौजूदगी में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जयंती का जश्न मनाया गया और इस दिन को समानता दिवस के रूप में मनाया गया। सुथामल्ली गंगा ने अपने फेसबुक के माध्यम से जानकारी दी और साथ ही राष्ट्रपति की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि व्हाइट हाउस में आज 14 अप्रैल को बाबा साहब के जन्मदिन पर उनके जश्न में इक्वालिटी डे का आयोजन करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ दिखे हमारे भाई दिलीप महस्के और महान रणनीतिक काम। अंबेडकरवादी एक वर्ग अलग बुद्धिमान बौद्धिक कार्यकर्ता है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के तमाम शहरों और राज्यों में अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाया गया। सुथामल्ली गंगा ने अपनी दूसरी फेसबुक पोस्ट में जानकारी देते हुए बताया कि मिशिगन के गवर्नर 14 अप्रैल को मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका में समानता दिवस के रूप में घोषित करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जयंती को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के शहरों और राज्यों द्वारा मान्यता दी जा रही है। ये समय की बात है कि बाबा साहब की दृष्टि पृथ्वी ग्रह के सभी मानवों के लिए एक वैश्विक विषय होगी। अद्भुत है, बहुत बढ़िया काम है। आपको बता दें, बीते दिन भर ट्विटर पर सबसे ज़्यादा जय भीम ट्रेंडिंग में रहा। इस बार बाबा साहब की जयंती अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के तौर पर मनाई गई। भारत में ही नहीं दुनिया भर में बाबा साहब के संघर्ष और उनके विचारों को याद किया गया और बाबा साहब के जन्मदिन को समानता दिवस के रूप में मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।